मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो बेहद ही ज़्यादा गमगीन कर देने वाली एक स्टोरी है एक बहन की। एक ये भी बहन जी हैं, आप कहाँ से आई हो? गाज़ियाबाद से आई हैं। लास्ट टाइम दिए थे ना आपको हमने, पिछले महीने। हाँ, नाम क्या? रेखा नाम है आपका। तो जिस फैमिली से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ वो फैमिली बेहद ही ज़्यादा मजबूर है, और पता नहीं किस तरीके से अपने जो शोहर है उनका इलाज करा रही है। ये इनका नाम है, क्या नाम है ना आपका? रजनी देवी। बहन जी क्या परेशानी है आपके शोहर को, आप किस बहन को दिखाओ भाई ये। इनके इस फैमिली को माउथ कैंसर है, और पिछले कितने सालों से? ये साल भर से ज़्यादा हो गया। तो बहन कैसे कर रही है अपनी फैमिली के साथ, कैसे मदद? कभी कोई मदद कर देता, कभी कोई मदद कर देता। परेशान ना हो, रोना नहीं है ना, ऊपर वाला सबके साथ में है। आपके बच्चे कितने, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं। और ये क्या करते थे भाई? ये फेरी लगाते हैं, सिलाई मशीन ठीक करते हैं। अब भी करते हैं जी? नहीं, कम से साल डेढ़ साल से बैठे हुए। मैं हमेशा हर मंडे में हॉस्पिटल में आता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली का, कैंसर डिपार्टमेंट का। तो ये हमें हमारी बहन मिली है, ये इनकी हालत देख लीजिए आप। बारिश भी हो रही है, देखो रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है। ये इनके शोहर हैं, और बहन घर का खर्चा कैसे चलता है? ये आस पड़ोस वाले दे जाते, कोई चावल दे जाता, कोई कुछ। अच्छा, आस पड़ोस वाले दे जाते हैं। ऐसे मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, हर महीने का जो भी राशन है वो मैं आपको दे करूँगा। मैं आपको जगह बता दूंगा, आप वहाँ से आके हर महीने का राशन लेके चले जाइएगा, ठीक है ना? आपको खाने की बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। कितने बच्चे हैं आपके? चार। सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा है? 13 साल का। 13 साल का बच्चा है। हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद ज़रूर किया करो, ऐसे लोग जो हैं वो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। और ये बहन है, इसकी हालत आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा बच्चा जो है 13 साल का बच्चा है, और जब घर में कमाने वाला कोई ना हो तो उसकी माली हालत या आर्थिक स्थिति कैसी हो सकती है, आप यकीन मानिए। जब इनका बच्चा या जब इनकी फैमिली में कोई बच्चा कुछ मांगता होगा कि मम्मी ये दिला दो, मम्मी वो दिला दो, तो बड़ी परेशानी होती होगी, बहन नहीं दिला पाती होगी। पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दिला जी, पैसे ही नहीं रहते तो कहाँ से दिला दें। सुना आपने, जब पैसे नहीं है तो कहाँ से दिला दें। कभी निकला करो अपने घर से भाई, अपने घर से निकल कर देखा करो, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। ये हमारी बहन है, इनके हस्बैंड को भी कैंसर है जी, इनके हस्बैंड को भी कैंसर है। हमने इनकी भी हमेशा मदद की है, और मैं अक्सर आता हूँ हॉस्पिटल में मदद करने के लिए। तो घबराना नहीं है बहन, ठीक है ना? तो परेशान मत हो, देखो ऊपर वाला जो भी है ना वो हमेशा अच्छा ही करता है, ठीक है भाई? ठीक है दोस्त, तो मैं आपकी फैमिली के लिए हर महीने राशन दे दिया करूँगा पक्का, ठीक है ना? मैंने आपका नंबर ले लिया है, और अभी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, और लाइक कीजिए पेज को। अब से जो हमसे मदद होगी लीजिए बहन। ये हमने अपनी बहन को पैसा दे दिए हैं, खुश हो बहन जी? दवाई भी आई इनकी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे बिल्कुल भी? नहीं, राशन भरवा लेंगे घर पर। राशन तो हम भरवा देंगे, ठीक है ना? आप राशन की फिक्र मत करो, राशन में भरवा देंगे, ठीक है ना? और आप लीजिए मैम, ठीक है ना? हर बार हम आपको देते हैं, अभी नहीं थे, ठीक है ना? तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप लोगों का। आप यूँ ही लोगों की मदद करते रहें, ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश में ही हम बैठे हुए हैं। बस यही मैं चाहता हूँ हमेशा कि जो ऐसे लोग हैं, ऐसे
ऐसे जो लोग हैं उनकी हमेशा मदद किया करो, ना जाने इनकी दुआ कब कबूल हो जाए और कब आपका बेड़ा पार हो जाए। थैंक यू वेरी मच ऐसे लोगों की मदद करने के लिए। देखिए आज इस छोटी सी मदद से ये लोग कितने खुश हैं, और ये कह रहे थे कि दवाई भी आनी थी इनकी, दवाई भी आ जाएगी, और राशन के लिए हमने इनको बता दिया है राशन हर महीने इंशाल्लाह जब तक हमसे होगा, ठीक है, जब तक हमसे होगा इंशाल्लाह हम इनकी पूरी मदद करेंगे, राशन तो कम से कम एटलीस्ट हम पहुँचा दिया करेंगे। तो शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए और ऐसे लोगों की मदद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी मदद से न जाने कितने लोगों का भला हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अल्लाह हाफिज़।